अब बात करते हैं राम मंदिर में यूपी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और फिर राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। शनिवार सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने बड़े ही भक्ति भाव से ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर पूजा की और आरती उतारी। इस दौरान मंदिर परिसर में शंख ध्वनि बजती रही। रामलला की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य देखने पहुंचे। अयोध्या कितना तेजी से और विकास हो, जिससे है क्या कि आने वाला 2024 जनवरी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना हो, इसके नाते विकास कार्य की समीक्षा भी किया और अयोध्या नया घाट से लेकर राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी देखते हुए उन्होंने जो निर्माण कार्य देखा, इसे उन्होंने कहा काम थोड़ा सा और तेज करो। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू कराया। सीएम योगी ने बड़े ही ध्यान से पूरे काम को देखा। राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद और निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी का दिगंबर अखाड़ा से गहरा जुड़ाव है। गोरखपीठ की 3 पीढ़ियों का यहां से नाता रहा है। राम मंदिर आंदोलन की पहली बैठक इसी अखाड़े में हुई थी। उसमें राम मंदिर निर्माण के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष महंत अवैद्यनाथ बनाए गए थे, जो सीएम योगी के गुरु थे। 1989 में महंत रामचंद्र दास परमहंस को राम जन्मभूमि न्यास का पहला अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद ही मंदिर आंदोलन को नई दिशा मिली। अयोध्या में 2 घंटे प्रवास के बाद मुख्यमंत्री वापस लखनऊ लौट गए। वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं राम मंदिर से जुड़ी